हेलो दोस्तों, कैनरा बैंक आज बुलिश मूव आया था। इसमें एक 2% तक स्टॉक ऊपर गया। आज वो 245 जो कि हमारा पहले वाला लेवल था वो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जो कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 242 से 245 तक, वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो रहा है। और अभी यहाँ पे इसने निगेटिव सिग्नल दिया है। क्या हो सकता है इसके बाद, अगर कैनरा बैंक 245 नहीं ब्रेक कर पाया तो वो लगातार आपको यहाँ पे ये सपोर्ट पे वापस आने के चांसेस है, जो कि अपना सपोर्ट बनता है यहाँ पे 235 का सपोर्ट है, उस रेंज में आ सकता है। और समझो आज क्लोजिंग इसके 245 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है 244 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट जो कि अपना पहले पहले वाला टारगेट है, कि जो आप देखिए 250 का टारगेट है, वो हमें जरूर कल परसों मतलब मंडे नेक्स्ट वीक में हमें जरूर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी डाउन जाने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, पहले भी आप यहाँ पे देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट होने के चांसेस है। अगर इसने ट्रेंड खत्म हो गया तो डाउन आएगा 234 तक।